अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई पावर क्या होती है, तो आप कहोगे सर रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी को पावर कहते हैं। मैं कहूँगा ठीक है इसका फॉर्मूला बता दो, तो आप कहोगे सर पावर इज इक्वल टू दैट डब्ल्यू अपॉन टी, कितनी एनर्जी डिसिपेट हो रही हो, कितना टाइम लग रहा है डिसिपेशन में, पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी से। तो ठीक है मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे जरा पावर बताओ, अगर 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई अप्लाइंसेस, तो आप कहोगे सर 100 जूल कंज्यूम कर रहा तो सॉरी 1000 जूल कंज्यूम कर रहा तो 1000 रखो यहाँ, कितने टाइम में कर रहा है, आप कहेंगे 10 सेकंड में, तो 10 यहाँ रखेंगे, 10 से 10 कट गया, वैल्यू आ गई 100। तो 100 वाट का, कितने वाट का, 100 वाट का, ये तो 110 है, 100 वाट का बल्ब है जो 1000 एनर्जी को कंज्यूम करेगा, वो भी 10 सेकंड के अंदर, है ना, 1000 जूल एनर्जी को कंज्यूम करेगा कितने सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर। देखो वाट से आप पता लगा लेते हो, बड़ा सिंपल सा फंडा, वाट से भी आप पता लगा लेते हो, अगर 100 वाट है तो इसका मतलब 1 सेकंड में 100 जूल, अगर 200 वाट का कोई बल्ब है तो इसका मतलब 1 सेकंड में 200 जूल, अगर 1000 वाट का कोई बल्ब है तो 1 सेकंड में 1000 जूल, ऐसे आप पता लगा लेते हैं। तो यहाँ पर 1000 जूल कंज्यूम तो हुई है लेकिन 10 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितनी होगी आपको पता लग गया होगा, 100 जूल, बस यही पावर है। आगे चलते हैं।